स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का फर्जी अस्पताल पर शिकंजा। मिर्जा नर्सिंग होम को किया सीज, आरोपी डॉक्टर को भी किया गिरफ्तार। यूपी के रामपुर में डीएम के आदेश पर फर्जी अस्पतालों पर लगातार शिकंजा कसा जा रहा है। रामपुर के अजीतपुर में आरटीओ कार्यालय की बगल में चल रहे फर्जी अस्पताल मिर्जा नर्सिंग होम पर छापा मार कार्यवाही करते हुए आरोपी झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया और अस्पताल को सीज कर दिया है। वही जिन डॉक्टरों की अस्पताल में डिग्रियां लगाकर अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, उनके खिलाफ भी स्वास्थ्य विभाग कार्यवाही कर रहा है। मौके पर स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन ने ऑपरेशन करते हुए पकड़ा है। कई ऑपरेशन के मरीज भर्ती थे, जिन्हें एम्बुलेंस की मदद से रामपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़े ऑपरेशन सीजर के केस पाए गए यहाँ मौके पर, जो है जिन्होंने रजिस्ट्रेशन में जो जिन सर्जन के नाम बताए थे, जो जिन डॉक्टर्स के, डॉक्टर मुनाजिर रियाज, ये इन्होंने बताया कि अलीगढ़ गई हुई है। डॉक्टर मिर्जा सैयद बेग ये मौके पर पाए गए। डॉक्टर महबूब अली खान ये सर्जन हैं और ये मौके पर नहीं थे, मगर इनसे फोन पर वार्ता हुई तो उन्होंने बताया कि हाँ ये केस मैंने किया है। उसके बाद में डॉक्टर सुहेल रजा खां ये भी मौके पर मौजूद नहीं थे। डॉक्टर सोफिया जफर ये नशे की डॉक्टर हैं, डीए हैं, नशरिक्स हैं, ये भी मौके पर नहीं थी। ये बात सही है कि इनको जो ऑन कॉल बुलाया जाता है। उसके बाद में डॉक्टर रेहाना बेग ये भी मौके पर मौजूद नहीं थी, इनकी अच्छी योग्यता बीयूएमएस है। और डॉक्टर सैयद मुनीर अली ये एमबीबीएस हैं और साथ में यहाँ पर जो है ये अल्ट्रासाउंड का संचालन करते हैं और ये बाल रोग विशेषज्ञ की भूमिका भी निभाते हैं। उनका ये कहना है कि इन्होंने जो है 2 साल जो है पीडियाट्रिक्स में जो है हाउस जॉब किया है। इनके यहाँ जो है इनकी ओटिटेशन किया गया जो कि मानक के अनुरूप नहीं है तथा उसमें काफ़ी गंदगी पाई गई। सर पूरी कार्रवाई में आपने यहाँ एक खास बात नोट करी, क्योंकि ये अस्पताल जो मानक के विपरीत है पूरी तरीके से, इसमें मेडिसिन से लेके ओटी भी चल रही है, पूरा सीजर किया जा रहा है। जो गायनों की नहीं होने की वजह से नहीं हो सकता, अगर गायनों होगी मौजूदगी की भी तभी सीजर किया जाता है। तो ऐसे में ऑपरेशन करना, देखिए ऑपरेशन करना जायज नहीं है। अगर कोई सीजर का ऑपरेशन कर रहा है तो उसके लिए जो है गायन स्त्री है प्रसूति रोग विशेषज्ञ एमएस ऑप्शनिक्स गायनी होनी चाहिए या जनरल सर्जन की पोस्टिंग वहाँ पर होनी चाहिए। साथ में एनेस्थेटिस्ट भी होना चाहिए, पैरामेडिकल स्टाफ भी होना चाहिए ट्रेंड, जो कि जो इन्होंने उसमें नाम दिए थे उसमें जफर इकबाल और जो है फुरकान महमूद, ये दोनों ही इस समय अनुपस्थित पाए गए। अच्छा, कुछ यहाँ पर अशिक्षित भी लोग हैं जो अभी बताया गया जिस तरीके से, तो क्या कार्रवाई होगी प्रशासन की? देखिए इनका जो है पहले मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन होता था। इनके अभिलेखों के अनुसार इनका जो है 2007 में मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में रजिस्ट्रेशन हुआ था, उसके पश्चात जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। अब इनका ये कहना है कि मेरे जो दस्तावेज क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी के यहाँ जमा है, जबकि वो वहाँ जमा नहीं होने होके ये वो यहाँ पर मौके पर मौजूद होनी चाहिए। जी हाँ, ठीक है, ये कार्रवाई बड़ी हो रही है।